कोरोना महामारी के चलते पिछले दिनों में हमने कुछ रियायतें घोषित की थी, आज उन्हीं रियायतों को आगे बढ़ाते हुए कुछ विभागों की और रियायतें मैं उसकी घोषणा करने जा रहा हूं। सबसे पहली बिजली विभाग की रियायत, जो हमारे कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शंस जिन लोगों ने लिए हुए हैं उनको 2 महीने के लिए मार्च और अप्रैल इनके उपभोक्ताओं को जिनकी खपत 50% जनवरी और फरवरी एवरेज से कम है ऐसे लोगों को 10,000 रुपया फिक्स चार्जेस में ये छूट दी गई थी। इसी को पुनर्विचार करते हुए ये निर्णय लिया है 40,000 से ऊपर जिनके भी फिक्स चार्ज हैं उनको 25% की रियायत दी जाएगी और शेष 6 महीने का शेष 75% की राशि वो 6 महीने में बराबर बांट करके ली जाएगी जुलाई से दिसंबर तक। नियम वही है कि जिनकी जनवरी और फरवरी की एवरेज से इन 2 महीनों में 50% से खपत नीचे है उन्हीं को ये लाभ दिया जाएगा। गत 9 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन करके हरियाणा सरकार के सभी विभागों बोर्ड और कॉरपोरेशन के अथॉरिटीज़ की ओर से किसी भी व्यक्ति या संस्था की जो अदायगी 15 मार्च 2020 को ड्यू थी उन्हें 30 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया था तथा ये भी कहा था कि उन पर कोई सरचार्ज या पेनल इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, केवल इस अवधि का सामान्य साधारण ब्याज लिया जाएगा। अब निर्णय दूसरा लिया गया है कि स्थगन की इस अवधि को 15 मई तक बढ़ा दिया जाए और साथ ही इस बढ़े हुए 15 मार्च से 15 मई तक के साधारण ब्याज पर 50% की छूट भी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त अपने वित्तीय स्थिति अनुसार यदि कोई बोर्ड या कॉरपोरेशन इससे अधिक छूट देना चाहे तो वह ऐसा करने में स्वतंत्र होंगे। इस काल अवधि में ट्रांसपोर्ट व्यवस्था भी प्रायः थम गई है, विशेष रूप से ऑटो, मोटर कैब, मैक्सी कैब, बस, ट्रक इत्यादि सभी कमर्शियल गाड़ियां, इनका व्यवसाय ये कम हुआ है, इनको भी इस 2 महीने की अवधि 15 मार्च से 15 मई तक की अवधि के लिए मोटर व्हीकल टैक्स में छूट दी जाएगी। सभी सरकारी विभागों के सभी कॉन्ट्रैक्ट्स में 15 मार्च से 15 मई तक की अवधि को फ्रोजन पीरियड यानी जीरो पीरियड मानने का निर्णय लिया है। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक कोई भी भवन, परियोजना या सामग्री जो इस अवधि में पूरी करनी थी इसे इतने समय के लिए बिना किसी दंड के आगे बढ़ा दिया जाएगा। किसी भी सरकारी या नगर निकायों या पंचायती राज के संस्थाओं द्वारा किराए पर दिए गए भवनों, दुकानों इत्यादि पर 15 मार्च से 15 मई तक 2 महीनों का किराया नहीं लिया जाएगा। विशेष रूप से हरियाणा के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा चलाए जा रहे स्टार्टअप इनक्यूबेटर्स में चल रहे सभी स्टार्टअप से इस अवधि यानी 15 मार्च से 15 मई तक 2 महीने का किराया नहीं लिया जाएगा। हमने फैसला किया है कि केंद्र सरकार की ओर से घोषित 50 लाख रुपए का जीवन बीमा का लाभ अब सभी कोविड क्षेत्रों अर्थात कोविड अस्पतालों के आइसोलेशन वार्ड्स, आईसीयूज, ऑपरेशन थिएटर्स में काम करने वाले सभी कोरोना वॉरियर्स अर्थात सभी डॉक्टर्स, नर्सेज, ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारियों को बराबर दिया जाएगा। अभी हमारी सभी अनाज मंडी और प्रोक्योरमेंट परचेज सेंटर्स पर किसानों की फसल का प्रोक्योरमेंट का काम शुरू हुआ है। मैं समझता हूँ वहाँ पर काम करने वाले लोग ये जो कोरोना का समय चल रहा है, कोरोना के साथ मुकाबला करने का, वे भी काम करने वाले सब लोग कोरोना वॉरियर्स से कम नहीं हैं। आज हमने निर्णय किया है कि मंडी और परचेज सेंटर्स पर काम करने वाले, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, आड़ती हो अथवा किसी भी परचेज एजेंसी के कर्मचारी हो, उनको हरियाणा सरकार की ओर से निशुल्क 10 लाख रुपए का बीमा कवर 30 जून तक दिया जाता है। कोरोना महामारी के समय में हमारे बहुत से बंधु कंटेनमेंट क्षेत्र में भी अपनी ड्यूटी लगातार दे रहे हैं। ये बहुत जोखिम भरा काम है। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में काम करने वाले सभी हमारे आंगनवाड़ी कर्मचारी, आशा वर्कर्स, हेल्थ सर्विसेज का स्टाफ, पुलिस के हमारे पुलिसकर्मी
अथवा सफाई कर्मी, इन सबको हरियाणा सरकार की ओर से 30 जून तक 10 लाख रुपए का बीमा कवर, जीवन बीमा कवर ये दिया जाता है। आज के इस कोरोना की महामारी के विरुद्ध लड़ाई में हमारे पत्रकार भाई भी अपनी जान को जोखिम में डाल करके कार्य में लगे हैं। हम इनके काम की सराहना करते हैं और साथ ही हमने ये भी निर्णय लिया है कि कोरोना के इस पीरियड में सभी पत्रकार बंधुओं, चाहे वो एक्रेडिटेड हों अथवा रिकॉग्नाइज्ड हों, इनके लिए हरियाणा सरकार की ओर से 10 लाख रुपए का बीमा किया जाता है।